रविवार की शाम कैलाश महादेव मंदिर के पास देव दीपावली के पावन पर्व पर दीपदान यमुना मैया की आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भक्तजनों के साथ यमुना मैया की प्रज्वलित दीपकों से आरती की। कैलाश महादेव मंदिर के पास देव दीपावली के पावन मौके पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यमुना मैया की आरती उतारी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के जेल एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुख्य रूप से मौजूद थे। विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित किया और यमुना मैया की आरती उतारी। यमुना मैया की आरती में तमाम सारे विशिष्ट जन और अन्य भक्त भी मौजूद थे। भक्तों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। कैलाश महादेव मंदिर के महंत निर्मल गिरी भी पूरे उत्साह के साथ देव दीपावली के कार्यक्रम में जुटे नजर आए। सभी ने देव दीपावली के महत्व को समझाया। आज मैं अपने आगरा के सभी सम्मानित निवासियों से उनको बधाई देता हूँ और हमारे जो धार्मिक गुरु हैं अपने निर्मल जी, उन्होंने जो दीप उत्सव का यहाँ कार्यक्रम किया है उसके लिए उनका भी हम धन्यवाद देते हुए सम्मान करते हैं। और आज हम लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रकाश में अंधकार चला जाता है, ये दीपोत्सव जो हम मना रहे हैं, एक तो इससे हमें ज्ञान की तरफ जाना है नंबर एक, और दूसरा ये है कि जो यमुना मैया के आज हम जो है दीपोत्सव मना रहे हैं, तो ये हमारा पूरे शरीर के अंदर 70% जो पानी होता है उसके बिना जीवन ही नहीं है। तो आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार से हमारी गंगा मैया और यमुना मैया स्वच्छ रहे, उसमें सबको योगदान देना चाहिए। हमारे आगरा में बहुत ही प्राचीन मंदिर है कैलाश महादेव का, और वहाँ पर हम लोग हमेशा कई सालों से देखती हुई आ रही हूँ कि यहाँ पे दीपदान किया जाता है कार्तिक मास में। और आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि भव्य एक कार्यक्रम यहाँ पर कई हज़ार दीपक यहाँ पर आज दीपदान किए गए, और यहाँ पर हमारे राजनीतिक दल भी हैं, श्रद्धालुगढ़ हैं, हमारे संघ परिवार भी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोग यमुना मैया की अभी आरती भी करेंगे। और गंगा मैया भी आप लोग जानते हो कि हमारे पास तो अब इस समय गंगा मैया भी है और यमुना मैया भी है। कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और मैं इसका श्रेय महंत निर्मल गिरि जी को देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयासों से ये भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हो पाता है। और ये आगरा वासियों के लिए ही एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में इतना भव्य जो काशी के अनुरूप यहाँ पे कार्यक्रम हो पाता है। देखिए, विगत वर्षों से हम लगातार देव दीपावली का बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, जो आगरा शहरवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। तो अभी हमने पिछली बार करीब 31,000 दीपक यहाँ मंदिर पर जलाए थे, जब हमारे क्षेत्र की विधायक श्रीमती हेमलता दिवाकर थी, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और घाटों की 15-20 दिन से सफाई चली। इस बार क्योंकि यमुना अभी उतरी है, सिल्ट बहुत भरी हुई है, सफाई हो नहीं पाई है। हमारे दीपक तो इस बार भी 31,000 आए हैं, पर क्योंकि सिल्ट इतनी है इसलिए नहीं जल पाए। तो ये बहुत पवित्र महीना होता है कार्तिक मास का। तो आज कुछ कहूँगी नहीं, आज देखने की सब चीज़ है, आके आप देखिए और कितनी सुंदर दृश्य है और कितना सुखद अनुभव है ये। और मैं जब अभी 2 महीने पहले वाराणसी गई थी, वहाँ मैंने देखा था, अयोध्या का भी देखा है, चित्रकूट भी देखा है, पर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे आगरा में भी ऐसे। देव दीपावली के मौके पर कैलाश महादेव मंदिर पर उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी पहुंचे। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था, सभी ने दीप दान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।